कढ़ाई पनीर आज आप लोगों को बना के दिखाएंगे कढ़ाई पनीर। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए चाहिए पनीर, मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स पनीर लिया है, टमाटर का स्लाइसेस, कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कैश्यू का पेस्ट, यहाँ से मैंने 10 से 12 कैश्यू लिया है, उसको पेस्ट कर लिया है, ऑनियन का चंक्स, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन को ऐसे चंक्स के आकार में कट लिया है, ऑनियन का स्लाइसेस, यहाँ पे मैंने 2 बड़ा साइज़ ऑनियन लिया है, उसको ऐसे स्लाइस कर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/2 नींबू और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी, 2 से 3 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी, 2 लौंग और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 2 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमूल का फ्रेश क्रीम, ये हम ऐड करेंगे रेसिपी में तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। चलिए और चाहिए हम लोगों को नमक। पनीर को पहले मैरिनेट करते हैं, इसमें हमने दिया है थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और देंगे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट हम लोग ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पनीर को अच्छा से मिक्स कर लिया, अभी 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। इसमें हमने वाइट ऑयल लिया है, अभी हम इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। सब पनीर को ऐसे गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। अभी पनीर फ्राई हो गया है, हम इसको एक बर्तन में उठा के रख देंगे। हो चुका है, अभी यहाँ पे हमने जो कैप्सिकम का चंक्स रखा है उसको हल्का से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो कलर इसका चला जाएगा, तो हल्का सा ही फ्राई करेंगे इसको। चिकन का फ्राई हो चुका है, अभी इसको एक बर्तन में हम उठा के रखेंगे। अभी इसमें हमने जो ऑनियन का चंक्स रखे है उसको फ्राई कर लेंगे, ये भी थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसको। इसको भी थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम लोग। चुका है ऑनियन भी, इसको हम बर्तन में उठा के रखेंगे। फ्राई में 2 टेबलस्पून हमने वाइट ऑयल लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, 3 हरी इलायच, 2 लौंग और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। इसमें अभी ऐड करेंगे हम ऑनियन का स्लाइसेस, ऑनियन का स्लाइसेस इसमें दे देंगे। यहाँ पे हमने 2 ऑनियन लिया है उसका स्लाइसेस, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑनियन का स्लाइसेस और इसको अच्छा से मिला लेंगे। 1 मिनट तक हमको अच्छा से इसको फ्राई करना है। इसको हम 1 मिनट तक फ्राई किया है, अभी इसको हम कवर कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स कर देंगे, नमक देने से क्या होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और कलर भी थोड़ा सा आ जाएगा। अब इसको कर देंगे हम कवर। 1 मिनट हम इसको कवर करके रखे थे, अभी इसको ढक्कन को हटा देंगे और देखेंगे ये हुआ है क्या नहीं। ये अभी एकदम सॉफ्ट हो चुका है, अभी हम
गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के हम इसको पेस्ट कर लेंगे। मिलते हैं इसको ग्राइंड करने के बाद। पेस्ट एकदम रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम दे देंगे 2 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अभी ऐड करेंगे हम जो पेस्ट बना के रखा है, वो पेस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमने जो पूरा पेस्ट बनाए थे उसको यहाँ पे दे दिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम काश्मीरी मिर्च थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसमें ऐड करेंगे अभी काजू का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ऐड करेंगे हम थोड़ा सा दही। काजू का पेस्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसीलिए मैं काजू का पेस्ट यूज़ करता हूँ। अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और बहुत स्पाइसी होता है। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको अभी हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए। अभी इसको 2 मिनट तक हम बंद करके रखेंगे और मिलते हैं 2 मिनट के बाद। 2 मिनट हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। अभी इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। अभी इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। अभी इसमें ऑयल निकल चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर और फ्राइड कैप्सिकम एंड ऑनियन। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे 1 कप वाटर। अभी अच्छे से मसाला को इसमें ऐड करेंगे। सभी इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इसको कवर कर दिए, मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चलिए ढक्कन को खोलते हैं। देखिए ऑयल भी निकल चुका है और कढ़ाई पनीर एकदम रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम हम ऐसे दे देंगे।